देही प्रेस क्लब सादिकाबाद का इफ्तिताह कर दिए गए। इफ्तिताही तकरीब में जाम अला यार वलाना, राना नबी अहमद, किसान बोर्ड के आजी रियाज अहमद चीमा, राव अताउर रहमान, शाहिद अमीर शहद, जाम अहमद यार वलाना, जाम निहाल वलाना, शाहिद इकबाल त्रेली, डॉक्टर माजिद जेलानी, डॉक्टर सैयद अबुल हसन शाह, अब्दुल गफ्फार लारिक, रईस गुलाम मुर्तजा त्रेली, मोहम्मद सलीम जोया, रईस पठान मार, रईस जमील अहमद मार और शहद जावेद समेत सीनियर सहाफियों अब्दुल कदूस सुरखपोश मियाँ, नवीद अहमद, बशीर अहमद, अख्तर डोगर समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब से जियो न्यूज़ के मलिक असलम ने खिताब करते हुए कहा कि देही प्रेस क्लब के इनेकाद से देहात के मसाइल हल होंगे। इस मौका पर राव अताउर रहमान, शहद अमीर शहद, जाम अला यार वलाना, राना नबी अहमद, हाजी रियाज अहमद चीमा और दीगर ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि देही प्रेस क्लब हमेशा आवाम के मसाइल हल करने में पेश रहा। इंशाल्लाह देही प्रेस क्लब से उम्मीद करते हैं कि देहात के मसाइल हल करने में ऐसा इकदाम उठाएगा। इस मौका पर राना नबी अहमद ने भी खिताब किया। उन्होंने भी तमाम साफियों और देही प्रेस क्लब सादिकाबाद के अहदेदारान को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि 12 प्रेस क्लब का इतिहाद देही प्रेस क्लब के लिए खुश आइंद बात है। हम उम्मीद करते हैं कि देही प्रेस क्लब सादिकाबाद तमाम इलाके के ऐसा इकदाम उठाएगा। इस मौके पर चेयरमैन देही प्रेस क्लब सादिकाबाद हाकिम संजरपुरी, वाइस चेयरमैन नूर अहमद शाकिर, सदर अब्दुल गफ्फार मार, जनरल सेक्रेटरी राइस मुज्तबा त्रेली, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी आशिक अली खोकर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी धनी बख्शमार, फिनांस सेक्रेटरी शहद फरीद, डिप्टी फिनांस सेक्रेटरी अब्दुलस्तार खालती, सीनियर नायब सदर ए डी नासिर, सीनियर नायब सदर जाम तालिब मलंगी, शाह मोहम्मद मजारी, कासिम चांडिया, सलीम त्रेली, मोहम्मद अफजल इंडर, मियाँ खुदा बख्श अब्बासी, असगर जाफरी, रफीक अहमद, सदार मुनीर खान लंगा, मदर शेर चौहान, अलादिता मीतला, गुलाम रसूल चना और सीनियर नायब सदर रहमत अली नदीम ने भी तमाम मोजज़ मेहमानों का वेलकम किया और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह देही प्रेस क्लब आवाम के मसाइल ऐसा अंदाज में हल करता रहेगा। पुरवकार तकरीब पर तमाम मोजज़ मेहमानों ने देही प्रेस क्लब की खिदमत